वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरजी और हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2018 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 105 तक देखने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये नीट यूजी 2018 का है भैया। ये रहा बुकलेट कोड AA है, ठीक है जी। नीट यूजी 2018 बुकलेट कोड AA। जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है भाई नीट गुरुजी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम शुरू करने वाले हैं 101 से। पांच पांच क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियोस लगाई जा रही हैं ताकि देखने में आसानी हो, बड़े ही आसानी से कवरेज हो जाए विदाउट एनी बोरिंग फीलिंग। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR में करेक्ट रिएक्शन कौन सी होती है? देखो, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सबसे पहले क्या होगा? डीनेचुरेशन। सबसे पहले होगा डीनेचुरेशन, तभी तो दोनों स्ट्रैंड खुलेगी। जब खुलेगी तभी तो कुछ होगा, बिना खुले कैसे कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, प्राइमर्स आके एनील कर जाएंगे, उसको हम बोलते हैं एनीलिंग। उसके बाद उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 102 पे आ गए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। चार दिए हुए, एक करेक्ट, मतलब तीन इनकरेक्ट। थॉमस हंट मॉर्गन ट्रांजैक्शन दिया था क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या दिया था? लिंकेज दिया था। F2 इंटू रेसिसिव पेरेंट, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है क्या? नहीं, ये टेस्ट क्रॉस होता है। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये सही है भाई। RNA कैन एक्ट एज द एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम। तो तीसरा आपका करेक्ट है भैया, ये जान लो। करेक्ट ही पूछा है, तीसरा धर लो। तो मेंडल ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया था क्या? नहीं, तो तीसरा करेक्ट हो गया भाई 102 में। 103 पे आ जाओ, ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। भैया ये बासमती राइस थी। अब इसका आंसर अगर तुम्हें बासमती ऐसे नहीं पता है तो दूसरे तरीका भी है। एक क्वेश्चन का अगर इधर से नहीं है तो उधर से भी रास्ता भैया। लर्मा रोजो एंड सरबती सोनोरा, ये दोनों वीट की, गेहूं की वैरायटी हैं। CO667, CO667 ये सोयाबीन की वैरायटी है। जब ये दोनों हो गए रिजेक्ट, पूछा राइस है तो धर लो बासमती को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। 104 पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। अब देखो, एक रॉन्ग होगा तो तीन करेक्ट होंगे भाई, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले 104 को। तो एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रेसोपर में होता है क्या? हाँ होता है। तो ये हो गया करेक्ट, पूछा क्या है? इनकरेक्ट। एबीओ ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होता है क्या? होता है भैया। तो स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील होता है क्या? नहीं होता। स्टार्च सिंथेसिस इन पी में क्या होता? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता जी। तो स्टार्च सिंथेसिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पे मल्टीपल एलील दिया हुआ, ये हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया जी। तो ऑप्शन नंबर 3 को धर लो। थॉमस हंट मॉर्गन गिवन लिंकेज चाहिए जी, तो पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट फॉर 104। 105 में कह रहे हैं भैया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक करेक्ट है, तीन इनकरेक्ट होंगे, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक ही इसमें करेक्ट होगा, तीन इनकरेक्ट होंगे। देखने हमें ये हैं कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। स्प्लाइसियोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन, गलत। स्प्लाइसियोसोम स्प्लिसिंग कहाँ होती है? यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में होती है। तो स्प्लाइसियोसोम कहाँ लगेगा? ट्रांसक्रिप्शन में लगेगा, पहला गलत। पुनीत स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, बिल्कुल सही है भाई। पुनीत स्क्वायर को डेवलप करने वाले हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जिसको कि ब्रिटेन बोलते थे, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट करेक्ट है भैया। दूसरा, फ्रैंकलिन स्टाहल कॉइन तरम लिंकेज, अरे तरीका, लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, फ्रैंकलिन स्टाहल ने तो कहा। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, भैया भूल गए क्या? ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय S. ऑल्टमैन, अरे मेरे मालिक, जिंदर एंड लेडरबर्ग, ये था ट्रांसडक्शन का। तो पुनीत स्क्वायर इसका हो जाएगा करेक्ट, ए दूसरा ही करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं। तो इस तरीके से 105 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को बाय नीट गुरुजी सब्सक्राइब कर लें भैया। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की वीडियो लगा रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस हैं क्वेश्चंस की, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले नीट में, और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते चले जाएं।